तो फ्रेंड्स, ये जो फोल्डिंग चेयर है इसका अनबॉक्सिंग करके मैं दिखा देता हूँ। अनबॉक्सिंग एक बार कर चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार दोबारा अनबॉक्सिंग करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह का प्रोडक्ट ये हमको मिल रहा है। तो ये अमेजोन से मैंने परचेज किया था और 2950 रुपये का हमको पड़ा था। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, तो एक यूज़र मैनुअल मिलता है, उसके बाद में एक रेड कलर का पिलो मिलने वाला है इस तरह से, और फिर इसको खींच के हम लोग निकालेंगे तो ये रेड कलर का चेयर मिलने वाला है। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा प्रोडक्ट आप लोगों के सामने दोस्तों, इस तरह से रेड कलर का चेयर आपको मिलेगा। अच्छा है, हल्का है, ज़्यादा वेट नहीं है, इजीली आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट आपके सामने रहा, इस तरह का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसका बाय लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इजीली बाय कर पाएंगे। इसको सिटिंग पोजीशन पे लाने के लिए इसको खींच के यहाँ से लाना होगा, और ये लॉक होता है, यहाँ पे धक्का देके इस तरह से फंसाना होता है। और ये जो पिलो है इसको ऊपर की तरफ इस तरह से लगा देने, रेडीमेड आता है, बस खींच के यहाँ पे लगा देने का होता है। तो फ्रेंड्स, ये बन गया है हमारा सिटिंग चेयर। इस पर बैठ के मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का दिखता है। तो इस तरह का कुछ आपको चेयर मिलने में तो इस तरह का कुछ चेयर आपको मिलने वाला है। रिलैक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, कैंपिंग के लिए अच्छा है, आउटडोर के लिए अच्छा है, गाड़ी में रख के कहीं पे भी ले जा सकते हैं, पिकनिक के लिए अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग बिंदास बाय कर सकते हैं इसको। अभी मैं बता देता हूँ किस तरह से लेटते हैं इस पर। इसको लॉक किया था बैठने के लिए, तो इसको नीचे की तरफ करना है इस तरह से, और ये लॉक अपने आप निकल जाएगा, और इसको इस तरह से दबा देना है तो अपने आप ये बेड बन जाएगा। अब तो अभी ये पूरा बेड बन चुका है, इसमें मैं आपको लेट के दिखा देता हूँ। लेकिन ये जो साइज है मेरे हिसाब से थोड़ा छोटा है, परफेक्ट सोने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा साइड में चौड़ाई में थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ा कंफर्ट फील नहीं होता है। लंबाई में भी थोड़ा कम है, 5 फुट 8 इंच का इंसान हूँ मैं, तो ये 6 फुट का होता तो अच्छा होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ले सकते हैं। इसका जो मेटल है वो किस तरह का मिलने वाला वो भी मैं दिखा देता हूँ ज़रा अच्छे से। और इसके जो हैंडल है ये प्लास्टिक के बने हैं, लेकिन मजबूत है, कोई इशू नहीं आएगा। इसका स्क्रूज जो है वो अच्छे क्वालिटी के हैं, यहाँ पे लॉक मैकेनिज्म है वो भी अच्छे क्वालिटी का है, हल्के हैं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, मजबूत है। ये वाला जो कुर्सी है बहुत वेट वाला है, लेकिन ये वाला बहुत ही हल्के वेट का है, लेकिन मजबूत है क्योंकि स्टील का है। हल्के होने की वजह से लाने ले जाने में आसानी होगी कैंपिंग में या पिकनिक में। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बिंदास आप अमेज़न से ले सकते हैं, ये किसी तरह का पेड रिव्यू नहीं है, पर्सनल ओपिनियन है, आप ले सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये अच्छा चीज़ है, आउटडोर के लिए, इनडोर के लिए भी यूज़ ले सकते हैं, मेरे बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं, ख़ासतौर से ये चेयर को। मेरे बच्चे ख़ासतौर से इस स्लीपिंग चेयर को बहुत पसंद करते हैं, वो ज़्यादातर पढ़ाई वगैरह इसी में बैठ के करते हैं, टाइम पास इसी में करते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।